उत्तर प्रदेश में योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पॉलिटिक्स पीक पर हो गई है। समाजवादी पार्टी की प्रिंटिंग प्रेस में रोज नए नए पोस्टर भी छपने लगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को मैच करते हुए नई नई टैगलाइंस के साथ साथ नए नए पोस्टर्स भी रिलीज हो रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जबरदस्त पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स का जवाब बीजेपी शब्दों में दे रही है। अखिलेश की पार्टी की तरफ से लखनऊ में आज नए पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया। पोस्टर में लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पोस्टर महाराजगंज के सपा नेता अमित चौबे की तरफ से लगाया गया है। दरअसल यूपी के चुनावी दंगल में बटेंगे तो कटेंगे के नारे का असर नजर आने लगा है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार उसे काउंटर करने के लिए नए नए नारे लेकर आ गए। नए नारे में पहली बार सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर पोस्टर जारी किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ वाला ये पोस्टर यूपी के राजनीतिक मैदान में लगातार गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी हर दिन एक नया पोस्टर लेकर सामने आ रही है, जिसको लेकर यूपी में सियासत बढ़ती जा रही है। अब आपको समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स की पूरी टाइमलाइन हम बता रहे हैं। सबसे पहले याद कीजिए 23 अक्टूबर को लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा, जिसमें लिखा गया 27 का सत्ताधीश, और उसके दो दिन के बाद 25 अक्टूबर को एक और नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया 27 के खेवनहार। फिर तीन दिन बाद 28 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन सपा दफ्तर के बाहर एक और नया पोस्टर नजर आया, जिसमें लिखा था ना बटेंगे ना कटेंगे। दो दिन बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और नया पोस्टर आ गया। 30 अक्टूबर को पोस्टर में लिखा गया ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब देखिए महीना बदला, नवंबर आया तो 1 नवंबर को एक नया पोस्टर आया, उसकी टैगलाइन भी बदल गई, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके बाद आज भी पोस्टर वॉर में एक नया पोस्टर जुड़ा, जिसमें सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया और लिखा गया मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। समाजवादी पार्टी के पोस्टर वॉर पर आज योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को जवाब दिया। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश बौखलाए हुए हैं और 9 की 9 सीट उपचुनाव में हारने वाले हैं। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो इसलिए वो स्वयं तनाव में। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि यह 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार की मजबूत नींव डालने का चुनाव है और जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। उपचुनाव से पहले आखिरकार उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर क्यों चल रहा है, समाजवादी पार्टी का इसके पीछे का मकसद क्या है, अब ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव के बीच पोस्टर के जरिए अपने समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा का जो दूसरा मकसद है वो ये है कि पोस्टर्स के जरिए ये दिखाना कि वो योगी सरकार को लगातार चुनौती दे रही है। इन पोस्टर्स को योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में उपचुनाव से पहले पोस्टर वार तो चल रहा है, तो मायावती भला आप कैसे पीछे रहती, मायावती की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में मायावती ने बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे का नारा दे दिया है। इसके साथ ही मायावती ने सपा और बीजेपी दोनों को टारगेट किया है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे वे सुरक्षित भी रहेंगे। प्रदेश की जनता को इनके ये हवा हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे,
ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वहीं सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही हैं। मायावती तो उत्तर प्रदेश में राजनीति करती हैं, लेकिन योगी के नारे की गूंज अब बिहार में भी सुनाई देने लगी है। तेजस्वी यादव ने जब आज बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी को जमकर टारगेट किया है। तेजस्वी ने क्या कहा है, सुनिए आप खुद ही। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है, पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहें, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं, कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके केवल जो है विकास का काम नहीं विनाश का काम कर रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या नारा दिया था कि ऐसा क्या बोल दिया गया था कि सपा की तरफ से पोस्टर छपने बंद नहीं हो रहे हैं। योगी का नारा अब आपको याद दिला देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक कार्यक्रम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया था। योगी ने कहा था कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वे गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। इसके बाद ये नारा बीजेपी ने काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और समाजवादी पार्टी के पोस्टर वॉर की शुरुआत अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर हुई, जिसमें सबसे पहले यह लिखा गया था कि 27 का सत्ताधीश। योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा है। योगी की लाइन लेंथ पर ही असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। हिमंता ने अपनी रैली में क्लियर कट कहा कि झारखंड में एक विशेष समुदाय अपना वोट नहीं बांटता है, पूरा जेएमएम को वोट करता है। सनातन को बचाने के लिए हिंदुओं को भी अपना वोट बटने नहीं देना चाहिए। झारखंड में एक विशेष समुदाय है, उनका वोट नहीं बांटते हैं। यह समुदाय पूरा की पूरा वोट किसको देते हैं? जेएमएम को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं और लालू प्रसाद यादव को देते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू का वोट है, सनातन का जो वोट है, हम ये वोट किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20% देता हो, हमारा वोट बच जाते हैं और ये विशेष समुदाय का वोट एक भी नहीं बांटते हैं और कांग्रेस पार्टी जेएमएम जीत जाते हैं। हमारे झारखंड में अगर हम सनातन संस्कृति को बसाना है, अगर हिंदू झारखंड में गर्व से रहना है, तब हमें हमारा वोट भी बटवाना नहीं है, हम एक रहना है। अगर हम एक रहेगा तब हम सेफ रहेगा, अगर हम एक नहीं रहेगा हम सेफ नहीं रहेगा। अगर हम लोग हिंदू बच जाता हो तो फायदा किसका होगा? आप लोग खुद समझिए। आज राहुल गांधी को हमें बताना है कि हम हिंदू बांटने वाला नहीं है, हम हिंदू एक है और हम हिंदू एक रहेगा। ये बात आज हमें उनको बोल देना है। भाई और बहनों, आज आप देखिए, हिंदू जब एक रहता है हिंदू सब कुछ कर सकता है। 500 साल का बाद राम जन्मभूमि में दीपावली हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज हिंदू ने बाबर का जगह में राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? जब हिंदू एक साथ रहता है हिंदू सब कुछ कर सकता है। अगर हिंदू एक साथ रहेगा तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा और हमारा सनातन संस्कृति भी बसेगा। लेकिन अगर हिंदू बांटेगा, ये आलमगीर आलम इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति हमारा ऊपर राज करेगा।
हिमंता झारखंड में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को करप्शन के मुद्दे पर घेर रहे हैं। तो इरफान अंसारी ने झारखंड के जामताड़ा में प्रचार के दौरान खुद को हनुमान बता डाला। इरफान अंसारी ने बीजेपी को किस तरह से ललकारा है, आप खुद ही सुनिए। लोग कहते हैं इरफान अंसारी को बजरंग बली बोलते हैं, लोग बोलते हैं इरफान अंसारी हनुमान की तरह है। तो निश्चित तौर पर आज मैं कहना चाहता, भाजपा वाले सुन लो कान खोलकर, ये हनुमान की सेना, ये बानर सेना मैंने भी यहाँ खड़ा किया है, ये बानर सेना मैंने खड़ा किया है। यहाँ मेरे हर सुख सुख में अब कोई मुकाबला करेगा जो बानर का सेना मुकाबला करेगा, आज मैं पकड़ा जो भाजपा के लोग।